नमस्कार, NIOS के स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं सारिका राय शर्मा, सहायक प्रोफेसर शिक्षा विभाग, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा महाराष्ट्र से। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं, उस विषय का नाम है सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार। शिक्षा के क्षेत्र में सामान्यतः प्रयुक्त किए जाने वाले पद सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार से तात्पर्य उस व्यापक वर्ग से है जो सामान्यतया बच्चों एवं किशोरों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की अधिक विशिष्ट कठिनाइयों का समूह है। सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकारों वाला बच्चा लंबे समय तक निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक लक्षण को एक निश्चित मात्रा में इस हद तक प्रकट करता है जिससे उसकी शैक्षिक उपलब्धि नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। पहला, अधिगम में कठिनाई, जिसे बौद्धिक, संवेदी या स्वास्थ्य कारकों द्वारा वर्णित नहीं किया जा सकता है, अर्थात उसके अधिगम में कमी आने लगती है, सीखने में कठिनाई होती है बच्चे को। और इसके पीछे कोई बौद्धिक कारण नहीं होता है, कोई संवेदी या भावात्मक कारण नहीं होता है, उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके सीखने में कमी आने लगती है, उसको सीखने में तकलीफ महसूस होती है। दूसरा, सहपाठियों तथा शिक्षकों के साथ संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बनाए रखने में कठिनाई। ऐसे बच्चों को अक्सर आप देखेंगे कि ये समाज में किसी के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते हैं या बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ा जाते हैं, लड़ने लगते हैं। तो ऐसे बच्चों को अपने साथी समूह साथियों के साथ भी अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाने में कठिनाई आती है। तीसरा, सामान्य परिस्थितियों में अनुपयुक्त व्यवहार एवं भावनाएं। चौथा, दुख या निराशा की एक सामान्य व्यापक मनोदशा। पांचवा, व्यक्तिगत या विद्यालयी समस्याओं से संबंधित शारीरिक लक्षण या भय विकसित होने की प्रवृत्ति। सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकारों वाला बच्चा उपरोक्त में से किसी एक या अधिक लक्षणों को पर्याप्त अवधि, आवृत्ति तथा मात्रा में प्रदर्शित करता है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी भी व्यवहार को देखते समय हमें उसके तीन पहलुओं पर ध्यान देना होता है। पहला, उस व्यवहार की अवधि कितनी है, कितने लंबे टाइम तक वो व्यवहार बच्चा दिखा रहा है। दूसरा, उसकी बारंबारिता कितनी है, उसकी आवृत्ति कितनी है, कितनी बार वह व्यवहार बच्चे द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। और साथ में उसकी इंटेंसिटी या मात्रा कितनी है, किस सीमा तक वो व्यवहार, किस एक्सटेंट तक वो व्यवहार बच्चे द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इन सब के परिणाम स्वरूप उसका शैक्षिक प्रदर्शन इतना बाधित हो जाता है कि उसके लिए विशिष्ट शिक्षा सेवाएं अनिवार्य हो जाती हैं। तो हमने यह जाना कि सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकारों वाले बच्चों को कई बारी ऐसे व्यवहार वाले बच्चे कई बार ऐसे व्यवहार प्रदर्शित करते हैं जिनसे, या उन व्यवहारों की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि उनसे उनके शैक्षिक प्रदर्शन में कमी आने लगती है, शैक्षिक प्रदर्शन में बाधा आने लगती है, और अंत में हमें विशिष्ट शिक्षा के विकल्पों की ओर मुड़ना पड़ता है। अब हम सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार वाले बच्चों की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार वाले बच्चे विभिन्न विकासात्मक क्षेत्रों जैसे सामाजिक संयोजन या अनुकूलन तथा शैक्षिक उपलब्धि में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे बच्चों में दूसरे बच्चों के साथ प्रभावशाली सामाजिक अंतःक्रिया बनाए रखने के लिए आवश्यक भावात्मक संतुलन तथा आवेग नियंत्रण की कमी होती है। इन्हें तुरंत गुस्सा आएगा, ये अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते, या किसी से बहुत जल्दी नाराज़ हो जाना, ये सारे लक्षण ये बच्चे दिखाते हैं। साथ ही सांवेगिक व्यवहारात्मक विकारों के लक्षण जैसे जल्दी चिढ़ना, घबराना या दूसरों पर दोषारोपण करना, यानी कि अगर उन्होंने कोई गलती की भी तो उस गलती के लिए वो तुरंत दूसरों पर ब्लेम करना शुरू कर देते हैं।
नियमों के अनुपालन को अस्वीकृत करना, उन्हें नियमों को पालन करना अच्छा नहीं लगता, उन्हें बड़ों की या जो अधिकारी हैं उनके ऑर्डर्स आदेशों को मानना अच्छा नहीं लगता, वो हर छोटी छोटी बात पे बहस करने लगते हैं, या फिर निराशा या कुंठा को नियंत्रित करने में उन्हें कठिनाई होती है। बहुत हाइपर एक्टिव या अति क्रियाशीलता दिखाते हैं, उनका अवधान की अवधि बहुत संक्षिप्त होती है, किसी जगह पर एक साथ एक लंबे टाइम के लिए टिक कर बैठ नहीं सकते। ऐसी समस्याएं इन बच्चों को ज़्यादा देखने को मिलती हैं। आवेगशीलता होती है ऐसे बच्चों में, आक्रामक व्यवहार या स्वयं को क्षति पहुंचाने की प्रवृत्ति इन बच्चों में देखने को मिलती है, लड़ाई झगड़ा करना, एकाकीपन, चूँकि दूसरों से तुरंत लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चिढ़ जल्दी जाते हैं, इसलिए ये दूसरों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया भी आसानी से नहीं कर पाते, उसमें भी इन्हें कठिनाई महसूस होती है। तो होता क्या है कि ये धीरे धीरे लोगों से अलग होने लगते हैं, विड्रॉन कंडीशन में चल जाते हैं, एकाकीपन की तरफ मुड़ जाते हैं। अत्यधिक भय या चिंता, अपरिपक्वता, अनुचित रोना धोना, तुनक मिजाजी, अधिगम कठिनाइयाँ, शिक्षा में निम्न स्तर का प्रदर्शन, सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकारों के कारक। हमने यह तो जान लिया कि सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार के लक्षण क्या हैं, सांवेगिक या व्यवहारात्मक विकार क्या होते हैं, और कब, जब ये एक सीमा के पार हो जाते हैं तो बच्चों को विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में रखा जाने लगता है। तो हमारे लिए यह बहुत आवश्यक है कि हम यह भी जानें कि इन विकारों को उत्पन्न करने वाले कारक कौन से हैं। बच्चों में सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार विभिन्न कारणों से उत्पन्न हो सकते हैं, जिसमें जैविक एवं परिवेश संबंधी, जैसे घर, परिवार, विद्यालय, पास पड़ोस आदि कारक मुख्य भूमिका निभाते हैं। जैविक कारक, जैविक कारकों में हम देखते हैं कि कभी किसी बच्चे को कोई बीमारी हो गई, या उसकी कोई किसी अशक्तता से ग्रस्त है, वो बच्चा कुपोषण से पीड़ित है, या मस्तिष्क को क्षति या आघात पहुंचा है, कई बार इसके पीछे आनुवांशिक कारक भी होते हैं। सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकार जीन के माध्यम से वंशागत हो सकते हैं, या मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन के कारण या मस्तिष्क की चोट के परिणामतः भी हो सकता है। अतिक्रियाशीलता या आक्रामकता को हम आनुवांशिक या तंत्रिका संबंधी कारणों से भी जोड़ सकते हैं। कई बार बच्चों के जेनेटिक डिस्टर्बेंसेज या जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसकी वजह से भी उनमें हाइपर एक्टिविटी या अतिक्रियाशीलता देखने को मिलती है। उनका अवधान की अवधि, ध्यान किसी जगह पर रखने की अवधि बहुत संक्षिप्त होती है, या फिर बच्चों को तंत्रिका संबंधी न्यूरल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। घर एवं परिवार, लोगों का पड़ोस भी उनके विकास में भूमिका निभाता है। यदि बच्चा मादक पदार्थों का सेवन करता है, या अत्यंत तनाव में रहता है, या परिवार में किसी की मृत्यु हुई है, या उसने कभी कोई हिंसा देखी है, तो भी इस विकार के उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच यदि द्वंद्व बना रहता है तो बच्चे पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, खास तौर पर यदि बच्चे के माता पिता अक्सर लड़ाई झगड़ा करते रहें, घर में कलेश का माहौल हो, तो भी घर का माहौल बिगड़ जाता है, और ऐसे में बच्चे में नकारात्मक प्रवृत्ति या बच्चे को नकारात्मक रूप से ये चीज़ें प्रभावित करती हैं। घर एवं परिवार, बच्चों के पालन पोषण की प्रक्रिया भी, जब हम घर एवं परिवार की बात करते हैं तो इसमें बच्चों की पालन पोषण की प्रक्रिया, यानी कि जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस हैं हमारे देश में परिवारों में जो हैं, वो भी एक अहम भूमिका निभाती हैं। ये प्रक्रियाएँ भी उनके विकास को प्रभावित करती हैं, और काफ़ी हद तक माता पिता के व्यक्तित्व द्वारा निर्धारित होती हैं। यदि किसी बच्चे की माता स्वयं बहुत जल्दी चिंतित होने की प्रवृत्ति रखती हैं, तो यह स्वाभाविक है कि वह इस व्यवहार को जाने अनजाने में अपने बच्चे में भी आरोपित कर देती हैं। जैसे बच्चे द्वारा बिस्तर गीला करने पर या खाना न खाने पर माँ का क्रोधित होना या बच्चे को दंडित करना आदि चीज़ों से बच्चों में ऐसे विकार का बीज बो दिया जाता है। परिवेश संबंधी कारक, परिवार के अलावा बच्चे के परिवेश के अंतर्गत उसका पास पड़ोस, विद्यालय, समुदाय, समाज आदि भी शामिल हैं, जो उसके विकास तथा अथवा उसमें विकार के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। सबसे पहले हम विद्यालय की बात करेंगे। बच्चा घर से अलग विद्यालय में सिर्फ शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं जाता है, अपितु
विद्यालय उसके समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए भी उत्तरदायी होता है। शिक्षकों एवं विद्यालय का कर्तव्य है कि वे बच्चों को अनुकूल एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान करें। इसके विपरीत यदि शिक्षक गुस्सैल प्रवृत्ति का या बहुत कठोर हो तो बच्चे विद्यालय जाने से डरने लगते हैं, साथ ही वे किसी से मिलने जुलने से भी कतराने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हर बार अगर उनसे बार बार डांट पड़ रही है अध्यापक से, तो उसको ये लगने लगता है कि मेरे में कोई कमी है, तो वो उस कमी को छिपाने के लिए क्या करने लगता है? अकेलेपन की तरफ मुड़ने लगता है। अब हम सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकारों के प्रकार पर प्रकाश डालेंगे। NICHCY द्वारा सांवेगिक और व्यवहारात्मक विकारों के निम्न प्रकार बताए हैं। पहला, दुश्चिंता विकार। दूसरा, द्विध्रुवी विकार। तीसरा, आचरण विकार। चौथा, मनोरोग विकार। पांचवा, आसक्त बाध्यता विकार। और छठा, खाने से संबंधित विकार। हम अब सभी विकारों को एक एक करके संक्षिप्त में चर्चा करेंगे। दुश्चिंता विकार, जिसे हम अंग्रेजी में एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। चिंता एक सामान्य भावात्मक प्रतिक्रिया है जो हम सभी प्रदर्शित करते हैं। हम सबको चिंता होती है, परंतु कुछ लोगों में यह इस हद तक बढ़ जाती है कि उनके दैनंदिन की गतिविधियों के सफल निष्पादन में बाधक सिद्ध होने लगती है। जैसे इतना चिंतित हो जाना कि आपको नींद आना बंद हो जाए, या विद्यालय में आपकी उपलब्धि पर इसका असर पड़ने लगे, आपके प्रदर्शन पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे। ऐसे व्यक्तियों में उनके लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीना भी सतत भय एवं चिंता का विषय बन जाता है। उन्हें छोटे छोटे मुद्दों पर चिंता होने लगती है, और जब ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट को, एक सीमा को पार कर जाती है, तो इसे हम दुश्चिंता विकार के अंतर्गत रखते हैं। द्विध्रुवी विकार, जिसे हम अंग्रेजी में बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। ऐसे में व्यक्ति अस्थिर चित्तता प्रदर्शित करता है, अर्थात क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, यानी थोड़ी देर पहले खुश हो जाएगा और तुरंत बहुत दुखी हो जाएगा, बहुत हंसने लगेगा और अचानक से बिल्कुल रोने लगता है। इसलिए उसके मिजाज के बारे में कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा पाता है। तीसरा, आचरण विकार, जिसे हम कंडक्ट डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। सामाजिक तौर पर मान्य नियमों एवं व्यवहार से हटकर आचरण करना, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुँचाना, चोरी करना, झूठ बोलना, नियमों का उल्लंघन करना, जीवों के साथ क्रूरतापूर्वक व्यवहार करना आदि। मनोरोग विकार, इसे अंग्रेजी में साइकोटिक डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। इसमें हम सिर्फ दो प्रकार के मनोरोगों की बात करेंगे। पहला, आभास भ्रांति, जिसे डिल्यूजन कहते हैं। ऐसे में व्यक्ति को गलत फहमियाँ होने लगती हैं, जैसे कि कोई मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है या योजना तैयार कर रहा है। दो लोग अगर आपस में बात कर रहे हैं तो मेरे खिलाफ ही कुछ बात कर रहे होंगे। दूसरा, मति भ्रम, हेलुसिनेशंस, ऐसी चीज़ों की कल्पना करने लगता है व्यक्ति, या मिथ्या अनुभूति लेने लगता है, या उसका बोध होने लगता है जो वास्तविकता में मौजूद ही नहीं होती हैं। नेक्स्ट, आसक्त बाध्यता विकार, इसको हम अंग्रेजी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं। ऐसे में भय एवं अतार्किक विचार बच्चे में आसक्ति एवं बाध्य व्यवहारों को उत्पन्न करते हैं, जिन्हें बच्चा बार बार दोहराता है। ऐसा करने से उसे क्षणिक राहत मिलती है जो अस्थायी होती है, जैसे बार बार हाथ धोना, किसी चीज़ को कई बार चेक करना इत्यादि। खाने से संबंधित विकार, जिसे अंग्रेजी में ईटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं। यहाँ हम दो प्रकार के ईटिंग डिसऑर्डर्स की बात करेंगे। पहला, एनोरेक्सिया नर्वोसा, शारीरिक छवि के प्रति बच्चा इतना ज़्यादा सतर्क या सचेत रहता है कि वो अत्यधिक उपवास या स्वयं को भूखा रखने लगता है। शोध के अनुसार लड़कों की अपेक्षा एनोरेक्सिया नर्वोसा के इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। दूसरा, बुलीमिया नर्वोसा, इस स्थिति में बच्चा पहले तो बहुत ज़्यादा खाना खा लेगा और उसके बाद ज़बरदस्ती सारे खाने को वमन द्वारा, उल्टी द्वारा बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। अब हम यह बात करेंगे कि जो ये संवेगात्मक या व्यवहारात्मक विकार आते हैं बच्चों में, इसमें एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्योंकि जैसा हमने बताया
कि अगर इन विकारों को, इन व्यवहारों को सही समय पर ध्यान न दिया जाए, ठीक करने का प्रयास न किया जाए, तो बच्चे को स्पेशल विशिष्ट आवश्यकताओं वाले बच्चों की सूची में रखना पड़ता है। उनके लिए कुछ विशिष्ट कौशलों की आवश्यकता पड़ने लगती है। इसलिए अब हम ऐसे बच्चों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में अध्यापक की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे। ऐसे में शिक्षक कक्षागत गतिविधियों एवं निर्देशों को सरल, संक्षिप्त एवं स्पष्ट रखने की कोशिश करें। अर्थात यदि आप कोई गतिविधि दे रहे हैं बच्चों को, तो उस वक्त निर्देश 3 से 5 पॉइंट के ही दीजिए। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल कार्य बच्चों को करने को ना दें। क्यों? क्योंकि ये बच्चे पहले से ही व्यवहारात्मक रूप से कक्षा में समायोजित होने में कष्ट महसूस कर रहे होते हैं, कठिनाई महसूस कर रहे होते हैं। दूसरा, बच्चों के सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करें। यानी अगर बच्चा कोई अच्छी चीज़ कर रहा है तो उसकी प्रशंसा करें। चाहे पुरस्कार छोटा सा ही दें, बस आप शब्द से बोल दें कि गुड, वेरी गुड, लेकिन बच्चे के सकारात्मक व्यवहार को पुरस्कृत करें। तीसरा, अभिप्रेरणात्मक प्रविधियों का प्रयोग करें। बच्चे को जितना हो सके मोटिवेट करें। उसको अगर कोई बच्चे ने कोई कार्य बहुत अच्छे से किया है, तो उसको उसके कठिन परिश्रम के लिए अभिप्रेरित करें, ताकि बच्चा उन चीज़ों में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता देख सके। साथ ही सभी विद्यार्थियों के साथ एक समान व्यवहार करें, निष्पक्षता के संदर्भ में। एक समान व्यवहार का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर कोई भी विद्यार्थी फिर आपके समक्ष आए, सबके लिए एक ही नियम का निर्माण करें। क्योंकि ऐसे बच्चे बहुत ही संवेदी होते हैं और बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं। लास्ट, छोटे छोटे अंतराल प्रदान करें, क्योंकि इन बच्चों को चूंकि शैक्षिक परिवेश में समायोजित होने में कठिनाई होती है, इसलिए इनको छोटे छोटे अंतराल देने से आप जब ये कहीं लैग बिहाइंड कर रहे हैं, पीछे छूट रहे हैं, तो इन छोटे छोटे अंतरालों में वो उन चीज़ों को कवर अप कर सकते हैं। तो आज हमने संवेगिक एवं व्यवहारात्मक विकार वाले बच्चों के बारे में जाना। साथ ही हमने यह भी जाना कि इन बच्चों के लक्षण क्या हैं और इन बच्चों के को संभालने के लिए एक शिक्षक की भूमिका, इनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। धन्यवाद।